नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान हम अपने गार्डन का रखरखाव कैसे करें और उसको कैसे जमाएं? तो दोस्तों, मैंने तो इस प्रकार जमाया है और इस प्रकार रखरखाव किया है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस गार्डन को सराहना और मेरी हिम्मत बढ़ाना। और मेरे 850 सब्सक्राइबर हो गए दोस्तों, तो मुझे थोड़ा सा आप लोगों की सहायता चाहिए, थोड़ा सा प्रोत्साहन चाहिए कि मैं भी अपना जो टारगेट है 1000 का, वो मैं जल्दी से जल्दी पूरा करूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलवाती हूं अपने सुंदर सुंदर प्लांट से। और ये देखिए मैंने किस प्रकार रख रखाव किया है। तो दोस्तों, ये मेरी कटिंग है, ये मैंने एक उसमें ट्रे में पूरी इकट्ठी जमाई है। और दोस्तों, इस तरफ में भी पूरे मैंने सब प्लांट्स और सारे जो जितने भी है ये पाइप वगैरह सब अच्छे से जमा दिया है इधर। दोस्तों, आज नाम बताऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। आप लोग मेरे गार्डन को देखिए, इस प्रकार मैंने जमाया है। और दोस्तों, अभी तो बहुत टाइम ही टाइम है, इस वजह से मैं यही सब करे है, क्योंकि कुछ समय पहले मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। ये देखिए हमारा गंधराज का प्लांट, देखिए कितना खूबसूरत है और कितना हेल्दी प्लांट है ये, आप देखिए। और ये मॉस रोज़, ये पीले कलर का है, ये इसमें बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर आए हैं पीले वाले। तो दोस्तों, इधर हमारी सारी विकास। और दोस्तों, इसी बीच मैं कुछ घर का काम भी कर रही हूँ, कुछ पापड़ वगैरह डाल रही हूँ, क्योंकि अब घर में है तो कोई ज़्यादा बाहर का काम नहीं है, तो मैंने सोचा कि कुछ पापड़ भी डालूँ। इधर मैंने ये बीच में इधर पूरा जमाया है, इधर पटिया इस तरफ में पहले विंटर फ्लावर थे, प्लांट थे, तो मैंने इस बार ये वाले सारे प्लांट लगा दिए हैं। और ये देखिए इधर ये अजवाइन का, देखिए कितना घना हो गया है। और इस तरफ में पूरे सदाबहार है मेरे। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने सारे कोलियस भी इधर रख दिए हैं। और दोस्तों, हाँ, मैं बात कर रही थी कि मैं पापड़ भी बना रही हूँ अपने घर के लिए, तो मैंने भी बहुत सारे पापड़ बनाए हैं, और साबुदाने के और चावल के और सूजी के, और पुरैयाँ भी बनाई हैं मैंने बहुत सारा। इधर हमारे सारे इंडोर प्लांट है दोस्तों, ये देखिए मैंने इस प्रकार छोटे छोटे को आगे की तरफ में, छोटे जो पॉट है वो आगे की तरफ में मैंने जमा दिए हैं, और बड़े बड़े पीछे की तरफ में जमा दिए हैं। ये देखिए बहुत छोटे छोटे गमले भी मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैंने सारे मेरे छोटे छोटे से जो आगे आगे की तरफ में रख दिए। और पीछे देखिए बहुत बड़े बड़े प्लांट है, ये बादाम का है, देखिए कितना बड़ा हो गया है। और इस तरफ में मुसंडा, और इस तरफ में अगर देखेंगे तो बीच में ये मैंने सेटअप जमा दिया है, और इस तरफ में पूरे मेरे सदाबहार है ये देखिए। और ये देखिए मेरी हैंगिंग बास्केट, ये ट्रायंगल हार्ट की वाइन है, कितनी अच्छी लग रही है ये हैंगिंग बास्केट। ये देखिए कितनी बुशी हो गई है, और कितनी ग्रीन है, और कितनी लंबी लंबी इसकी स्टेम है। और दोस्तों देखिए ये मेरे पास कितने कलर में है, ये सदाबहार बिन का, ये देखिए ये लाइट पिंक में है, और ये डार्क वाला, और ये थोड़ा सा गाजरी कलर में, लाइट गाजरी जिसको बोल सकते हैं। और ये देखिए ये सारे मेरे हाइब्रिड्स है, ये वाला देसी है। और दोस्तों ये देखिए पूरे जितने भी मेरे बिन का कलेक्शन है सब मैंने यहाँ पर जमा दिए हैं। ये पहले मेरी 2 राउंड में थी ये पट्टियाँ, अब मैंने 3 राउंड में लगा दिया है। तो दोस्तों ये देखिए, और ये तो मैं आप लोगों से दिखाई दिया है मैंने। तो दोस्तों, घर के भी काम रहते हैं मेरे, और गार्डनिंग का भी अकेले ही मुझे करना पड़ता, तो थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ, तबीयत भी ख़राब हो जाती है,
ये देखिए इस तरफ में ये मेरे पूरे मैंने इस प्रकार जमा दिए, जितने भी मेरे एक जैसे ये गमले थे ये चीनी मिट्टी के हैं, और इस तरफ में मैंने पूरे कोलियस जमा दिए। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं इनके कलर। तो दोस्तों ये देखिए इस तरफ में भी पूरी मैंने वेजिटेबल उस तरफ में लगाई है, और इधर मेरी पूरी बॉटलें हैं जो मैंने मॉस रोज़ और ये बेबी सन रोज़ और पोर्चुला ये सब मैंने लगा के रखे इधर। ये देखिए इधर मैंने पूरे इस तरफ में जमा दिए, और दोस्तों उस तरफ में भी पूरे मेरे बॉटल्स हैं जो मैंने सारे जमा दिए, और इधर पूरे मेरी वेजिटेबल्स हैं। ये देखिए टमाटर का प्लांट है, और इधर ये भिंडी का है, और इस तरफ में ये बैंगन का है, और इस तरफ में ये पूरी मेरी शिमला मिर्च के प्लांट है। तो दोस्तों इस तरफ में मैंने पूरा ये बाटल के जितने भी है मैंने सारे इस तरफ में जमा दिए हैं। और दोस्तों ये थोड़े प्लांट ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने उधर गेट के बाहर जीना के वहाँ पर भी पूरे रख दिए हैं, और इस तरफ में भी ये मेरी सब्जियों के बेल है ये गिल की, और ये मेरे गिल ये लौकी की बेल है, और इस तरफ में मेरी पूरी गुलदाउदी, और इधर भी मैंने पूरा अच्छे से जमा दिया है, और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कबाड़ा था वो मैंने उस तरफ में रख दिया है, जो हमारे खाली गमले जो सूख गए प्लांट वो ये सब। और दोस्तों इधर ये सूरजमुखी का ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर आया हुआ है, और ये मेरे पास दो प्लांट है। तो दोस्तों किस प्रकार ये मैंने सारा रख रखाव किया है, अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा ये रख रखाव पसंद आए और मेरा ये गार्डन पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों मेरी सहायता करो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।